हेलो गाइस, मेरा नाम है सुमित और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। सो आज हम करने जा रहे हैं मेरे यामा एफजी का जो स्पीडोमीटर है उसको रिपेयर करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कैसे रिपेयर करते हैं। मैं आपको इस वीडियो में आपको इसके बारे में आपको डिटेल्स में बताऊंगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। जो स्पीडोमीटर है वो मेरा एक्चुअली उसमें कुछ दिखाई नहीं देता है, जो कि टोटली एक ब्लाइंड हो चुका है, अंधा हो चुका है। तो अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए। सो हेलो गाइस, ये है मेरा बाइक FZS और इसमें क्या हुआ है कि ये आप जो मीटर देख रहे हैं वो कुछ काम नहीं कर रहा है, जिसकी आपको दिखा दो चाबी ऑन करके। तो आप देखिए यहाँ पर कुछ आपको दिखाई नहीं दे रहा है, नंबर भी नहीं दिखा रहे हैं, आरपीएम का भी नहीं दिखा रहा है, पेट्रोल का फ्यूल का भी नहीं दिखा रहे हैं और यहाँ तो स्पीड का भी नहीं दिखा रहा। तो ये क्या हुआ था कि मैंने इसके अंदर जो पोलराइज्ड फिल्म होते हैं उसको मैंने निकाल दिया था, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं इसको कुछ ये टूट गया था और यहाँ पर भी ये गिरने के कारण ये कुछ दाग लग गया था। तो पोलराइज्ड फिल्म मैंने इसको निकाल दिया था ताकि, और शायद उसके कारण ही ऐसा हुआ होगा बोल के, तो मैंने निकाल दिया। अब उसको फिर से मैं लगाने जा रहा हूँ पोलराइज्ड फिल्म और देखते हैं काम होता है। मैंने ये पोलराइज्ड फिल्म जो कि मुझे मिला है मोबाइल शॉप से, लगभग पड़ा मुझे ये 60 रुपये का और ये मोबाइल में लगता है स्क्रीन पर, तो वही मैं लाया हूँ। देखिए अभी आप देख रहे हैं कि ये कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए अब जैसे आपको यहाँ पर देखिए नंबर पर, और जैसे मैं ये पोलराइज्ड फिल्म को मैं ऊपर से लगाता हूँ, देखिए दिख रहा है और ये नहीं दिख रहा है। अब इसको मैं ऐसे रख देता हूँ। अब देखिए चाबी ऑन करके फिर ऑन कर देता हूँ। देखिए सो ये थोड़ा मेरा ख़राब हो गया है यहाँ पर और ये नंबर का दिख रहा है। चलिए इसको ठीक करते हैं। तो इसके लिए टूल लगेंगे, ये सब एलन की है, एलन की लगेंगे और कुछ रेंज चाहिए हमको इसको खोलने के लिए। चलिए खोलते हैं। आप देख रहे हैं ये मेरा स्पीडोमीटर और मैंने इसको निकाल दिया है। अब इसको हम खोलेंगे यहाँ से, जो कि यहाँ पर स्क्रू है, ये और ये यहाँ पर जो इसको खोलेंगे। देख सकते हैं मैंने ये खोल लिया। इसके ऊपर क्या होता है, एक पोलराइज्ड फिल्म होता है जो कि ये ब्लैक कलर का, इसके ऊपर इसको लगा के नाप के हम इसको इस तरह लगाएंगे। चलिए इसका पहले नाप ले लेते हैं। सो फाइनल गाइज, मैंने ये फिल्म यहाँ पर इसको मैंने चिपका दिया हूँ। और इसको चिपकाने से पहले आप ये ध्यान रखिए कि यहाँ पर बबल्स ना हो, जैसे कि एयर का जो होता है वो ना जाए अंदर। जैसे कि यहाँ पर देखिए मेरा बबल्स निकला हुआ है, आपको दिख रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर आपको दिख रहा है ये बबल्स ना, इसीलिए इसको ध्यान चिपकाते वक्त ध्यान से चिपकाएं। और चलिए इसको चेक करते हैं ये काम करता है कि नहीं करते हैं। चलिए अब इसको चेक करते हैं, मैंने ये बना लिया है तो चलिए इसको चेक करते हैं, लगाते हैं। इसको मैंने लगा दिया और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पर ये लगा दिया है, वो बबल्स के कारण थोड़ा कुछ दिख रहा है। तो चलिए चेक करते हैं। ओम नमः शिवाय। आप देख सकते हैं यहाँ पर दिख रहा है। आप मैं लाइट जला दूँ, जैसे कि यहाँ पर आपका नंबर दिख रहा है, और एक बार मैं स्टार्ट भी कर लूँ। आरपीएम जो मीटर है वो अभी दिख रहा है। तो गाइस, आप लोगों को अगर अच्छा लगा तो वीडियो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।